नमस्कार मित्रों, हम आ चुके हैं अपने बेसिक साफ केमिस्ट्री के डे टू में। आज हमारा जो वीडियो है या डे टू है, डे हैश टैग टू बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की हम क्लासें कल से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक पॉइंट हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। बिना बेसिक के केमिस्ट्री तो किसी के समझ में आने वाली है नहीं, इसीलिए मैं केमिस्ट्री की बेसिक क्लासें जो है वह निरंतर चलाता रहूंगा, और जब तक केमिस्ट्री की बेसिक्स कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए तब तक मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। जिसमें तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को हम डे वन डे टू में क्लासिफाई करते हैं, और डे वन डे टू के क्रम में आज हमारा यह डे टू का वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारा डे वन का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे रहे हैं, आप जाकर डे वन को वॉच करिए, तभी आपको डे टू समझ में आने वाली है। और इसको हम एक प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम उत्साहित होते हैं और हमारा जो है हम मोटिव होते रहते हैं आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। साथियों, हम आ चुके हैं अपने वीडियो में। जैसा कि मैंने डे वन में पढ़ाया था आप लोगों को कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, सुनने में कितना अजीब लग रहा है, केमिस्ट्री का इतिहास क्या है वगैरह वगैरह। और हमने ये भी बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ हम जितनी भी वस्तुओं को देख सकते हैं उनमें सिर्फ दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, पहला तो द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। पहली होती है द्रव्य तथा दूसरी होती है ऊर्जा। द्रव्य मीन्स मैटर, ऊर्जा मीन्स एनर्जी। तो द्रव्य, जैसे द्रव्य और ऊर्जा के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में इनके डिफाइन कर दिया है कि ये क्या होती हैं, द्रव्य क्या होते हैं, ऊर्जा क्या होते हैं, इनके प्रकार के बारे में आज हम बात करने वाले थे। तो ऊर्जा का जो प्रकार था वो पहला, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा निम्न प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है प्रकाश, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा ध्वनि, चौथा विद्युत, पांचवा गतिज तथा छठा स्थितिज ऊर्जा। तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। प्रकाश, प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके कारण हम किसी भी प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं या देखने में सक्षम होते हैं। प्रकाश के बारे में हमने फिजिक्स में क्लियरली पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश मीन्स लाइट। अब दूसरी जो ऊर्जा है उष्मा, उष्मा जो आग नहीं होती है, आग से जो ज्वाला निकलती है वही हमारी उष्मीय ऊर्जा है। अब आज इधर ठंडी आ गई है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि एक गोला बनाकर कौरा वगैरह तापेंगे, या गांव वगैरह में कौरा तापेंगे, तो वही आंच के कारण, वही जो उष्मा होती है उष्मा के कारण वे लोग घेरा बनाकर बैठते हैं उसी उष्मा हीट को पाने के लिए। तो उष्मा जो होगी हीट। अब तीसरी जो ऊर्जा, हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर इतनी तेज से बोल रहे हैं कि वहां तक सुनाई पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास माइक भी नहीं है, इसलिए माइक का अरेंजमेंट हम कर लेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं यही ध्वनि होती है और इसी को ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। अब चौथा ध्वनि मीन्स साउंड। चौथा जो विद्युत, विद्युत के बारे में हमने क्लियरली अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि विद्युत आखिर होता क्या है। आज हमारा जीवन पूर्णतः विद्युत पर निर्भर है। हमें क्या, पानी गर्म करने के लिए विद्युत, प्रकाश के लिए विद्युत, टीवी चलाने के लिए विद्युत, फ्रिज चलाने के लिए विद्युत, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए विद्युत, यहाँ तक कि हमारे खेतों की सिंचाई करने के लिए विद्युत, मतलब हमारा जीवन जो है लगभग 50% विद्युत पर निर्भर हो चुका है, लाइट पर निर्भर हो चुका है। तो विद्युत के बारे में, बिजली के बारे में हम विस्तृत जानते हैं, तो वही विद्युत ऊर्जा हो जाती है। अब जो दो मुख्य ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में यहाँ नहीं डिफाइन होगा, आगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा के और विभिन्न रूप हमें मिलते जाएंगे और उनको हम डिफाइन करते जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बारे में, यह क्या होती है, हमारी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो साथियों, गतिज ऊर्जा, जैसे हम चल रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी जो ऊर्जा है, सबसे पहले यदि कोई स्थित वस्तु है, कोई विरामावस्था, विरामावस्था में कोई ऐसी वस्तु जो अपने स्थान से हिले डुले ना, मीन्स वह अपने स्थान पर अडिग रहे, जैसे मैं यहाँ पर अपने स्थान पर खड़ा हूँ, तो मुझ में एक स्थितिज ऊर्जा है। मुझ में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। मतलब कि यदि किसी चीज के द्रव्यमान सबके पास होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, तो द्रव्यमान सबके पास होता है, मास सबके पास होता है, तो मास जितनी भी चीजों के पास मास है, यदि वह स्थित है तो उनमें एक स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो वही स्थितिज ऊर्जा की जो विरामावस्था में वस्तु रहेगी वह स्थितिज ऊर्जा उनमें होगी जरूर। तो हमारी जो हम चलने लगे तो हमारी जितनी भी स्थितिज ऊर्जा थी वह गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगी। यदि कोई वस्तु गति कर रही है
है तो उसकी जो ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा में बदलती जा रही है। तो गतिज ऊर्जा, आई होप आप सभी गतिज ऊर्जा के बारे में समझ चुके होंगे, स्थित ऊर्जा भी जान चुके होंगे, और बहुत सी ऊर्जाएं हैं, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी ऊर्जाएं हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। जो मुख्य थी उनको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब जो हम अगली बात कर लेते हैं कि हमारा द्रव्य, द्रव्य के बारे में, द्रव्य क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में अपने डिफाइन कर दिया है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के डे वन में। अब हम डिफाइन करने वाले ठोस, द्रव तथा गैस क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मित्रों, सॉरी ठोस, वह आकृति उस प्रकार का द्रव्य होता है जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता हो। आकार मीन्स जैसे मेरे शरीर का एक आकार है, एक बनावट, आकार मीन्स बनावट है, तो हमारे शरीर का एक आकार या निश्चित आकार है, हमारा शरीर जैसा है ऐसा ही रहेगा, कि कभी ऐसा रहेगा तो फूल के गुब्बारा हो जाता है, नहीं होता है। तो इसका जो आकार है वह निश्चित रहता है। और आयतन क्या होता है, किसी चीज में, किसी चीज की कितनी क्षमता है, उसमें कितना, मतलब उसका घेराव है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का गुणनफल जो होता है वही उसका आयतन होता है। तो ठोस का जो आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है मित्रों। अब द्रव के बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं। ठोस जैसे कि लोहा, लकड़ी, घर, मकान, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, ये सब ठोस की अवस्था में, मतलब ठोस में पाए जाते हैं। अब द्रव की बात कर लेते हैं। द्रव का मित्रों आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन इसका किस प्रकार से होता है, इसको जिस बर्तन में रखा जाता है या उसी का आयतन ले लेते हैं। जैसे हमने पानी को ग्लास में डालते हैं जब, तो वह ग्लास जैसा हो जाता है, और जब कटोरी में डालते हैं तो वह कटोरी जैसा हो जाता है, और जब उसको हम बाल्टी वगैरह में डालते हैं तो बाल्टी वगैरह के जैसा हो जाएगा। मतलब द्रव को जिस बॉटल में रखेंगे तो बॉटल जैसा आकार ले लेगा, तो जिस प्रकार के बर्तन में उसको हम रखेंगे वह उसी का आयतन ले लेगा, लेकिन निश्चित रहेगा, फिर भी वह निश्चित रहेगा, एक समान बना रहेगा। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार कहाँ निश्चित होता है, द्रव का आकार नहीं निश्चित होता है। अब पानी है, पानी अगर यहाँ पर सीधे रख दिया जाए, जिसको किसी बर्तन में न रखा जाए, तो जोर से फैल जाएगा, और किस प्रकार से फैलेगा, एक निश्चित आकार लेके नहीं फैलेगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, थोड़ा सा उधर चला जाएगा, हमेशा ढलान की ओर पानी बहता था, ऊपर से नीचे की ओर द्रव बहेगा। तो द्रव के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे गैस के बारे में, कि गैस क्या होती है। तो ठोस का आकार था, आयतन दोनों निश्चित था, द्रव का आकार निश्चित, सॉरी आयतन निश्चित था, आकार नहीं निश्चित था, और गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। मीन्स गैस के आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसको किसी बर्तन में रख दिया जाए तो भी इसके आयतन जो है अनिश्चित रहेंगे, उस बर्तन का जितना आयतन होगा उतना इस गैस का आयतन नहीं हो पाएगा। मीन्स गैस को अगर हम गुब्बारे में भरते हैं तो कहेंगे कि गैस को अगर गुब्बारे में भरेंगे तो उसका जो आयतन होगा वही गैस का आयतन होगा, ऐसा नहीं होता है। गैस का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। अभी इस बात को हम क्लियर करने वाले हैं द्रव्य के अणुगतिज सिद्धांत में, कि द्रव्य के अणुगतिज सिद्धांत क्या होते हैं। तो साथियों, अब जो हमारा इस डे का अगला टॉपिक है वह है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। साइंस की दुनिया में एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इस नियम को प्रतिपादित किया, जिससे कि हमारे गांव में एक बच्चा है उसका भी नाम जो है उनके माता पिता ने आइंस्टीन रख दिया है। मैं आप लोगों को तुरंत उससे मिलाता हूँ, आइए। तो इनका भी नाम जो है आइंस्टीन ही है, और अरे यार तुम भाग रहे हो क्या बताएं, तो इनका भी नाम आइंस्टीन ही था, और इस नियम की जो खोज की वो आइंस्टीन ने ही की थी। और अब हम बात कर लेते हैं कि आइंस्टीन का नियम क्या था। आइंस्टीन का, जैसा कि इसके नाम से है स्पष्ट, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, मीन्स द्रव्यमान और ऊर्जा में तुलना। तो इस के प्रकार इनका जो नियम था वो था E = mc². यही इनका नियम था। मीन्स ऊर्जा और द्रव्यमान को परस्पर एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपस में इनको बदला जा सकता है। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें ऊर्जा निश्चित रूप से होती है, और इसका यहाँ पर मात्रक अर्घ हो जाता है। मतलब यहाँ E मीन्स ऊर्जा, M मीन्स द्रव्यमान, C मीन्स प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड मानी गई। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी मानी जाती है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि किसी भी द्रव्य में उपस्थित जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल के वर्ग के गुणनफल के
बराबर होती है। तो यही हमारे आइंस्टीन का नियम था। आइंस्टीन हमारे साइंस की दुनिया में एक बड़े वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ही इस नियम का प्रतिपादित किया। आगे जब हम पढ़ेंगे कक्षा 12 वगैरह में तो इस नियम को विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि सी की वैल्यू कहाँ से आती है, वैल्यू कहाँ से निकल कर आई, किस प्रकार से ऊर्जा कैलोरी वगैरह गर्ग वगैरह मतलब इसके अर्ग यहाँ पर मात्रक होगा। साथियों अब जो हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है द्रव्यमान तथा भार में संबंध। भार और द्रव्यमान दो अलग अलग बातें हैं। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उसका द्रव्यमान मास कहा जाता है तथा किसी अब भार की बात कर लेते हैं। भार मीन्स वेट। वेट और द्रव्यमान मास दो अलग अलग बातें होती हैं। वेट जो होता है भार जो होता है इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मीन्स स्मॉल जी का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है यहाँ पर तो उसका चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 10 किलो ही रहेगा, वह परिवर्तित रहता है। लेकिन यदि उसका भार यहाँ पर 60 किलो है, यदि उसका भार यहाँ पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भार जो हो जाएगा वह 10 किलो हो जाएगा। तो मीन्स भार पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है, स्मॉल जी का प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है इसके बारे में हम आगे गहन अध्ययन करने वाले हैं, विशेष अध्ययन करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण जो होगा इसके बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, कितना किस प्रकार से निकल कर आता है कि वगैरह वगैरह, इसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम गुरुत्वीय त्वरण को यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण ही मानकर चलते हैं। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका जो भार है वह है w, उसका जो भार है वह w है, तो जो ये द्रव्यमान हो जाएगा मास और ये हो जाएगा वेट, उसका भार WEIGHT ये हो जाएगा वेट। तो ये इसका क्या फार्मूला होता है, इसको आपस में जो संबंध इसका क्या होता है, W=mg और g यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, स्मॉल g का मान जो होता है 9.81 × 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू जो होगी 9.81 यानी कि 10 लगभग मान ली जाती है। इसको अगर एस्टीमेट करेंगे, इसको अगर हम वो एस्टीमेट करेंगे तो लगभग 10 ही आ जाएगी। तो ये हम समझ गए द्रव्यमान तथा भार में संबंध। भार क्या होता है, भार परिवर्तित होता है, भार पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है और द्रव्यमान पर अब वह परिवर्तित होता है तथा उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साथियों अब जो हमारा इस डे का आज के दिन की जो अगली टॉपिक है वह है द्रव्य के अणुगतिज सिद्धांत। कि द्रव्य के अणुगतिज सिद्धांत आखिर होते क्या है, किस प्रकार पदार्थ व्यवस्थित रहते हैं। तो इसके क्रम में सबसे पहले हमारा जो द्रव्य के लगभग 5 अणुगतिज सिद्धांत हैं, जिनमें पहला जो हमारा है कि सभी द्रव्य जितने भी संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं। वह मतलब संसार के सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरा जो इनका नियम है कि जो पदार्थ के जितने भी गुण होंगे, पदार्थ के जितने भी गुण होंगे उसके पार्टिकल में भी वो सभी गुण विद्यमान होंगे, उसके अणु में भी वो सभी गुण विद्यमान होंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से बात समझाते हैं। एक चुंबक आप लीजिए, चुंबक क्या करेगा, लोहे की चीजों को या अन्य चुंबकीय चीजों को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अब क्या कीजिए, उस चुंबक को आप महीन पीस लीजिए तो उसके जो छोटा सा उसका जो कण होगा वह भी लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है। तो मीन्स कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी द्रव्य के, किसी भी मैटर के जितने मैटर के जो भी गुण होंगे, जितने भी गुण होंगे वो सभी गुण उसके पार्टिकल में, उसके कण में, उसके अणु में विद्यमान रहते हैं। तो आई होप आप सभी ये बात समझ चुके होंगे। अब हमारा जो इसमें अगला टॉपिक है वह प्रत्येक जो ये अणु है, प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक द्रव्य के जितने भी अणु हैं उनमें एक ऊर्जा गतिज ऊर्जा विद्यमान रहती है। मींस वह एक स्थान पर कभी ठहरते नहीं है, वो निरंतर गति करते रहते हैं, चाहे थोड़ी ही गति करें, हल्का हल्का वो गति हमेशा करते रहते हैं। और इसमें ऊष्मा का प्रभाव देने पर मीन्स उसको गर्म करने पर, जैसे अभी आपको क्या किया जाए, बढ़िया गर्माए के एक संसा लेकर और आपके शरीर में छुआ दिया जाए तो क्या करेंगे, आप तेजी से भागने लगेंगे। उसी प्रकार पदार्थ में, पदार्थ को यदि ताप दिया जाए, यदि उसको गर्म किया जाए तो उसके अणु जो होंगे तीव्र गति से गति करने लगेंगे। तो मीन्स तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है पदार्थ में। अब
प्रत्येक जो अणु है, पदार्थ के जितने भी अणु हैं, ये एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। मीन्स एक निश्चित दूरी इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो इनके मध्य जो है थोड़ी जो जगह, ये जो जगह थोड़ी बच जाती है, इसको हम कहते हैं अंतराणुक अवकाश। इस जगह को जो थोड़ी थोड़ी इनके बीच में जगह बची हुई है, इनको हम क्या कहेंगे, अंतराणुक अवकाश, मीन्स इंटर मॉलिक्यूल स्पेस कहते हैं इसको, इसे अंतराणुक अवकाश कहने वाले हैं। अब ये चौथा नियम था। अब अगली जो बात है, अगली, तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसार के प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते ही रहते हैं, तो उसी प्रकार यह द्रव्य के जितने भी अणु होंगे वह एक दूसरे को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करेंगे। तो यह क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो यदि ये समान प्रकार के अणु जो होंगे, क्योंकि एक पदार्थ में समान प्रकार के अणु ही उपस्थित है, चुंबक में कहीं लोहा थोड़ा पाया जाएगा, या चुंबक में लकड़ी बीच बीच में थोड़ी पाया जाती है, चुंबक में लकड़ी तो नहीं पाया जाती, चुंबक में पाया जाएगा तो चुंबक ही, तो उसमें समान प्रकार के अणु रहेंगे। तो जब समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम ससंजन बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और किसी भी द्रव्य के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है उसे हम अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं, मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि ससंजन बल क्या होता है, ससंजन बल पढ़ा हमने, अंतराणुक आकर्षण बल पढ़ा, अंतराणुक आकर्षण बल। अब आप लोग देखिएगा कि ससंजन बल तथा अंतराणुक आकर्षण बल होते क्या हैं। किसी भी पदार्थ में दो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजन बल कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है कोहेसिव फोर्स। और विपरीत प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजन बल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, असंजन बल कहते हैं, इसे नॉन कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, नॉन कोहेसिव फोर्स। और अंतराणुक जो आकर्षण बल होगा, किसी भी पदार्थ के अणुओं के मध्य एक आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता ही होता है, तो जो यह आकर्षण होगा अणुओं के मध्य, इसे ही हम अंतराणुक आकर्षण बल कहने वाले हैं। तो अंतराणुक आकर्षण बल मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। अंतराणुक अवकाश भी हमने पढ़ा कि अंतराणुक अवकाश क्या होते हैं, जो इनके बीच की दूरियां होती है, इसे हम अंतराणुक अवकाश कहते हैं। तो अब द्रव्य के अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस की व्याख्या हम करने वाले हैं। देखिए, जो ठोस के अणु होते हैं, सबसे पहले हम ठोस की बात कर लेते हैं। जो ठोस होते हैं उनके अणु जो होते हैं बहुत नजदीक पर उपस्थित होते हैं। जैसे इसको हम इस डायग्राम से समझने वाले हैं, इस प्रकार से तीन डायग्राम यहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं। देखिएगा, डायग्राम से हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जो ठोस के अणु होंगे वो कहीं इस प्रकार से अरेंज होंगे, ठोस के जो अणु होंगे वो इस प्रकार से अरेंज होंगे, और सॉरी द्रव के जो अणु होंगे हल्का दूरी पर इस प्रकार से वो द्रव के अणु अरेंजमेंट होंगे, और गैस के थोड़ा ज्यादा दूरी पर उपस्थित होंगे इस प्रकार से। ये हो जाएगा ठोस सॉलिड, ये हो जाएगा द्रव लिक्विड, और ये हो जाएगा गैस। अब देखिए, इसके आधार पर हम किस प्रकार इनके आयतन आकार निश्चित होते हैं। देखिए, जो ये अणु होंगे ये अत्यधिक पास होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, खींचकर बांधे रहेंगे एक दूसरे से। जैसे हमने अभी आइंस्टीन की बात की थी, इसलिए तो हम आइंस्टीन को ले आते हैं, आइए आइंस्टीन। अब जब हम इनको खींच कर ऐसे बांधे रहने वाले हैं तो ये हमसे दूर नहीं जा पाएंगे, जब हम इनको खींच रहेंगे, हमें खींच रहेंगे, तो ये हमसे दूर नहीं जा सकते हैं। और इस प्रकार जो हम हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, वह बिखरेगा नहीं। तो इसी प्रकार इनका आकार जो हो जाता है वह निश्चित हो जाता है, और आयतन भी निश्चित हो जाता है। और जो गैस द्रव होते हैं, द्रव के थोड़ा बीच की दूरी है, देखिए बीच की जो दूरी होगी ये बढ़ जाती है, थोड़ा दूरी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो हमारे इनके बीच का जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी कि अंतराणु का आकर्षण बल या ससंजन जो बल होता है,
वह कम हो जाता है, इसलिए ये हमसे ढीले हो जाते हैं और इनमें प्रवाह प्रवाहित हो जाएगा, ये जहां मर्जी होगी वहां चले जाएंगे। तो इस प्रकार द्रव जो होंगे उनके आकार निश्चित नहीं होते हैं, परंतु जिस बर्तन में उसको रखा जाता है उसके आयतन जो है निश्चित हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैस के। तो गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं, तो जब अत्यधिक दूरी पर वो स्थित होंगे तो उनके मध्य अंतरा अणु का आकर्षण बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम पाया जाएगा और वह एक दूसरे की पकड़ में बहुत कम आएंगे, जिससे वह इधर उधर भागना प्रारंभ कर देंगे। वह जब उनके मध्य कोई आकर्षण बल ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो किस प्रकार एक जगह रुके रहेंगे। अभी आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आप क्या करें कि आपके घर आपके मम्मी पापा का जो वो होगा फोर्स होगा वो आपके ऊपर ना लगे, तो आप क्या करेंगे, पूरे गांव में चक्कर लगाएंगे, घर में नहीं रुकने वाले हैं। और अगर आपको डर है आपके माता पिता का, आपको डर है वो आपको आकर्षित करते हैं, अपने एक घर में बांधे रहते हैं, इसलिए आप जो है सुधर कर रहते हैं। तो वही जो यहाँ पर प्रोसेस है कि एक अणु दूसरे अणु को जब खींच कर बांधे रहेगा तो वह इधर उधर बिखरेंगे नहीं, इसलिए इनका आकार तथा आयतन निश्चित हो जाता है। ये थोड़ी दूर दूर पर है इसलिए इनमें कम पाया जाएगा, लेकिन पाया जाएगा तो कम पाया जाने की वजह से इनका आकार तो निश्चित नहीं हो पाता है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं तथा आयतन जो है निश्चित हो जाता है, जिस बर्तन करेंगे उनमें उसी का आयतन लेंगे तो निश्चित नहीं हो जाएगा। गैस जो होगी हमारी, गैस के अणु बहुत दूर दूर पर स्थित होते हैं, जिसमें इनमें पकड़ जो होगी, इनमें खिंचाव वह कम हो जाता है और ये बिखराव इनमें शुरू हो जाता है, जिससे इनके आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे डे टू की अगली टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो अब हमारा इस आज के दिन का अगला टॉपिक है वह है द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन, मीन्स द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव और गैस, इनमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उस परिवर्तन को कहते क्या है, वह किस ताप पर परिवर्तन होता है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ठोस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना, गैस को द्रव में बदलना, द्रव को फिर ठोस में बदलना, ठोस को सीधे गैस में बदलना, गैस को सीधे ठोस में बदलना, इत्यादि जो ये सारे जितने प्रोसेस हैं इन्हीं को हम द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कहने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि ठोस द्रव तथा गैस से परिचित है, फिर गैस द्रव तथा ठोस से परिचित है। तो पहले हम ठोस को द्रव में किस प्रकार बदला जाता है उसको क्या कहेंगे, द्रव को गैस में किस प्रकार बदला जाता है उसको क्या कहेंगे, फिर हम बात कर रहे हैं गैस को किस प्रकार द्रव में तथा द्रव को किस प्रकार ठोस में, इसका रिवर्स करने वाले हैं, किस प्रकार बदला जाता है तथा उसको क्या कहेंगे, क्या किस ताप पर वह होता है। देखिए, हम ठोस को जब भी गर्म करेंगे, सभी ठोस के बारे में नहीं, सभी जब ठोस होते हैं उसका एक निश्चित तापमान होता है, उसके ताप पर यह गलना प्रारंभ होता है। तो ठोस को गर्म कर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, इस प्रोसेस को ठोस को द्रव में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम गलन कहते हैं। और जिस ताप पर, जिस विशेष टेम्परेचर पर यह ताप मतलब यह प्रोसेस होता है उसको हम गलनांक कहते हैं। गलनांक कहेंगे, गलनांक क्या होता है, वह विशेष तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है। गलनांक अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, जैसे कि बर्फ को गलने के लिए कम ही तापमान की आवश्यकता होगी, लेकिन लोहे को गलने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होगी। तो लोहे का गलनांक बर्फ के गलनांक से अधिक होता है। तो गलनांक का आप सभी समझ गए होंगे। अब द्रव को गैस में बदलने का दो प्रोसेस है, एक वाष्पन तथा दूसरा क्वथन। मतलब अगर द्रव को गर्म करके गैस में बदलने का जो प्रोसेस होगा उसको वाष्पन तथा क्वथन कहेंगे। अब एक निश्चित तापमान पर, जिस विशेष तापमान पर द्रव जो है वो लगभग गैस में बदलने लगता है, द्रव के प्रत्येक कण गैस में बदलने लगते हैं, उस विशेष तापमान को क्वथनांक कहा जाता है। मीन्स वह विशेष तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होने लगे उसको क्वथनांक कहा जाता है और इस प्रोसेस को क्वथन कहा जाता है। अब देखिए, गैस को द्रव में बदलने का जो प्रोसेस होगा, गैस को द्रव में बदलने का जो प्रोसेस होगा उसको संघनन कहेंगे। मतलब वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि जब वाष्प बन के किसी जार में वाष्प को इकट्ठा कर ले और उसको फिर उसमें किसी ठंडे स्थान पर रखे तो अपने पानी लग जाता है, तो यह जो प्रोसेस होगा उसको ठंडा करने पर होगा, ये सारे प्रोसेस गर्म करने पर होगा, ये उल्टे रिवर्स प्रोसेस है, सभी ठंडे करने पर। तो जिस विशेष तापमान पर कोई गैस जो है द्रव में बदलना शुरू हो जाती है, संघनांक कहते हैं। अब यह प्रोसेस हो गया, अब द्रव को ठोस में बदलने का प्रोसेस, मीन्स द्रव को ठोस में बदलने के प्रोसेस जो होता है उसे ध्रुवीकरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, ध्रुवीकरण।
अभिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव्य होगा वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम अभिकरण कहते हैं। और जिस विशेष तापमान पर यह प्रक्रिया घटित होती है उसे हम हिमांक कहते हैं। हिमांक क्या है? आई होप आप सभी ये सारी बातें समझ गए होंगे। गलनांक क्या है? वह विशेष तापमान जिस पर कोई द्रव बदलता है। क्वथनांक क्या है? वह विशेष तापमान जिस पर कोई द्रव गैस बदलता है। हिमांक क्या है? वह विशेष तापमान जिस पर कोई द्रव गैस बदलता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। तो आई होप आप सभी ये सारी प्रक्रियाएं समझ चुके होंगे क्या क्या है। अब इसमें दो प्रक्रियाएं और होती हैं, एक ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलना, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कपूर वगैरह और शायद कोई सोडा करके होता है, अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम, लेकिन कपूर जैसे होता है। तो आप कपूर का एग्जाम्पल लेके लिए, कपूर को अगर खुले में रख दिया जाए तो क्या होता है, सीधे डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। मतलब कपूर धीरे धीरे करके उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कपूर कहाँ गया। लोग कहते हैं कपूर चूहा खा गया, चूहा नहीं खाता है। कपूर को खुले में रखने से वह उड़ जाता है, वह डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह जो प्रोसेस होगा यह ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस होगा। अब अगर उसी कपूर को किसी गैस जार में रखकर उसको गर्म किया जाए, गैस के सॉरी किसी फ्लास्क में जो कांच से पूर्ण रूप से ढका हो और ऊपर उसको बंद कर दिया जाए, उसको फिर फ्लास्क को गर्म किया जाए तो कपूर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद अगर उसको ठंडा किया जाए तो वह फिर डायरेक्ट कपूर में ही परिवर्तित होगा, वह पानी मतलब द्रव अवस्था में नहीं आएगा। यह जो प्रोसेस होता है वो ऊर्ध्वपातन होता है, और गैस द्वारा डायरेक्ट ठोस बनने का जो प्रोसेस होता है इसे हम जमना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। आप ये सभी प्रोसेस समझ चुके होंगे। आप लोग ले लीजिए ताकि आपको जब भी कोई दिक्कत आए या फिर आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे इसका जो हमने कॉपी में नोट्स बनाया हुआ है उसको आप मुझसे मांग लीजिए, मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारे प्रोसेस लीजिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। बचा तो मैं आपको देना चाहूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो साथियों आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर दो प्रोसेस है, एक द्रव से गैस को बदलने में जो प्रोसेस है, एक वाष्पन भी काम करता है, दूसरा क्वथन भी काम करता है। तो ये वाष्पन कब होता है और क्वथन कब होता है, इसके लिए आप लोग एक प्रयोग कीजिए अपने घर पर, आप इसको कर सकते हैं। देखिए आप लोग एक फ्राई पैन में पानी लीजिए और उस पानी को एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक गैस की एक ताप जो है उसको सेट कर दीजिए, उसको उस पर रख दीजिए पानी को। तो आप क्या देखेंगे कि आपका पानी जो है उबलेगा नहीं, और उबलने से पहले उसमें से थोड़ा थोड़ा भाप निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब जब आप पानी को वहां पर रखेंगे गैस पर, तभी से उसमें की उसकी ऊपरी जो सतह होगी वह थोड़ा 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 करके भाप में कन्वर्ट होने लगती है। तो यह जो प्रोसेस होता है यही वाष्पन होता है। और क्वथन क्या होता है कि जब आपका पानी पूर्ण रूप से उबलने लगे, उबलेगा थोड़ी देर बाद ही, और फिर भी मतलब उबलने से पहले भी आपके जो आपका जो द्रव होगा वह वाष्प में बदलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बदलेगा। तो जो उबलने के पहले जो प्रोसेस होगा उसको वाष्पन कहेंगे, और उबलने के बाद भी जब आपका द्रव उबलने लगे और उबल कर उसके लगभग सभी मॉलिक्यूल्स जितने भी उसके अणु होंगे वो सभी गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगेंगे, तो यह जो प्रोसेस होगा यह क्वथन होगा, इस प्रोसेस को क्वथन कहेंगे। तो अब हम सभी के एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बर्फ, अगर बर्फ को खुली हवा में रख दिया जाए तो धीरे धीरे करके वह गल जाता है, द्रव अवस्था में पानी बन जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये हुआ द्रव को गैस में। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे पानी आपका उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैस को द्रव में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, देखिए जैसे आप जो वाष्प है उसको कहीं जाने मतलब मुक्त मत कीजिए, उसको किसी कोनिकल फ्लास्क से जार वगैरह में इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उसको फ्रिज में लगा दीजिए, तो फ्रिज में लगाने के बाद जो गैस होगी वो पुनः द्रव पानी बन जाएगी। यह जो प्रोसेस होगा इसका एक एग्जांपल ये हुआ द्रव को ठोस में बदलने का जो प्रोसेस। जैसा कि देखिए आप पानी लीजिए, एक ग्लास पानी लीजिए और उसको आपने फ्रिज के फ्रीजर में डाल दीजिए। फ्रिज में दो होता है, एक फ्रिज होता है तो फ्रीजर का क्या काम होता है, बर्फ को जमाना। तो द्रव को क्या करेगा, बर्फ में कन्वर्ट कर देगा, और बर्फ एक ठोस आकृति गैस से द्रव में बदलना, आप लोग समझ गए कि फ्लास्क द्वारा पानी जो होगा वह द्रव में आ जाएगा। अब द्रव को ठोस में, जब फ्रीजर में आप पानी को लगाए हैं तो वह पानी क्या होगा, जम जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही द्रव से ठोस में इसी को बदलना कहते हैं। तो आज के
दिन की जितने भी टॉपिक्स थी वो यही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो चूंकि काफी लंबी हो जा रही है, अगर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी ऊब जाएंगे, आप लोग भी बोर फील करने लगेंगे। इसीलिए अब हम आगे की इसकी जो बात करने वाले हैं वो डे थ्री में, इसके आगे की बात कि डे थ्री में क्या क्या बात करने वाले हैं। ये सब बेसिक साफ केमिस्ट्री चल रही है। तो आप अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आई है तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं आगे की जितनी भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की वो सभी आपको मिलती रहे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। धन्यवाद।